हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको ICCR स्किल टेस्ट / CPT 2020 जो होने जा रहा है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट, जिसका कि 15 नवंबर को इंटीमेशन आएगा। ये जो लोग भी ICCR का एग्ज़ाम दिए हैं और उन लोगों का क्वालिफाई हुआ है, तो वो लोग स्किल टेस्ट को लेकर परेशान है दोस्तों, तो उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में है सारा आज क्लियर होगा, और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है स्किल टेस्ट के लिए, कहाँ से प्रिपेयर करना है, जो लोग पहले से जिनको आइडिया है स्किल टेस्ट का उन लोगों को क्या करना है, और जो लोग नए हैं इस फील्ड में, जो लोग स्किल टेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और जो लोग टाइपिंग नहीं सीखे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी आपका क्वेरीज है सब इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, ओके, सारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगा। हर पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं एक चीज़ बोल देना चाहूँगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो भी आगे वीडियोस होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप बेल बटन को प्रेस कर लेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस करके सब चीज़ आपके लिए एक एक करके लिखा है। पहले देखिए डेट ऑफ इंटीमेशन, 15 नवंबर को आ जाएगा, ये ICCR के ऑफिशियल वेबसाइट में हमको क्लियर हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए टायर टू का जो एग्ज़ाम होगा CPT और स्किल टेस्ट, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि वेदर इट इज़ मैंडेटरी और इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर और इट्स मार्क विल बी एडेड फॉर फाइनल मेरिट। देखिए ये मैंडेटरी है, इसको सबको देना पड़ेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब बस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका मेरिट आपका कहीं पे भी नहीं जुड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ किसी को भी इस पर डाउट है, तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को जाके पढ़कर, ओके। मैं पूरा प्रूफ के साथ ये बोल सकता हूँ, ये पूरा नोटिफिकेशन से ही लिया है मैंने, सारा चीज़ डिटेल में पढ़ के मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, ओके। तो देखिए ये मैंडेटरी होगा और क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके बाद देखिए जो और एक डाउट आ सकता है बच्चों का कि ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, तो इसका जो कंडक्ट कराया जाएगा ये रीजनल ऑफिसेस में कराया जाएगा ICCR के। ICCR को जो रीजनल ऑफिसेस वहाँ पे हो सकता है, या फिर जहाँ पे ICCR इसको डायरेक्ट करेगा, मतलब कोई भी जगह वो सिलेक्ट करेगा, उनके हिसाब से उनके जो कंप्यूटर्स हो गए वहीं पे ही आपका स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे देखिए पहला पोस्ट आपको दिख रहा होगा LDC। तो LDC जो LDC में जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनके लिए ये सब पॉइंट्स है। पहला पॉइंट टाइपिंग स्पीड, ओके, टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी। पहले मैं बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन अप्लाई करते समय जो लैंग्वेज आपने चॉइस किया था, सिलेक्ट किया था इंग्लिश या हिंदी, उसी लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना मैंडेटरी है फ्रेंड्स, आप लैंग्वेज अभी चेंज नहीं कर सकते, ओके। अब देखिए टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में आपका 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, ओके। और ये है आपका 10,500 की डिप्रेशंस एक घंटे में और 9,000 की डिप्रेशंस पर आवर में। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, देखिए एक टेक्स्ट या फिर पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उसमें आपको 10 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। 10 मिनट में आपको क्या करना है, इसमें आपका देखा जाएगा एक्यूरेसी, ओके, एक्यूरेसी देखा जाएगा इसमें आपका, और एक्यूरेसी कैसे एरर होगा क्या होगा ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा जनरली, ओके, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एरर कैसा होता है क्या होता है, मतलब किसको हम एरर कंसिडर करते हैं और किसको एरर नहीं कंसिडर करते हैं इसमें, ओके। और कैसे आपको ये प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, ये सब पोस्ट का डिटेल बताने के बाद मैं आपको लास्ट में एट ए होल एट जनरल बता दूंगा। तो नेक्स्ट देखिए अगला पोस्ट आता है हमारे लिए जूनियर स्टेनोग्राफर।
इसमें देखिए डिक्टेशन जो है आपको दिया जाएगा, तो स्टेनोग्राफर जिन्होंने भी स्टेनोग्राफी सीखा हुआ है वो लोग ही इस पे अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप सीख सकते हैं तो अभी सीख लीजिए, आप सीख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेनोग्राफी में आपको डिक्टेट किया जाएगा, ठीक है, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा जिसमें आपका 80 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड में होगा, और ट्रांसक्रिप्शन इसको आपको करना पड़ेगा 50 मिनट्स में इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी में जो करेंगे उसको 65 मिनट्स, 65 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। इतने टाइम के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है जो वो लोग डिक्टेट करेंगे 10 मिनट के अंदर, ओके। अब देखिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो लोग हिंदी में स्टेनोग्राफी देने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि उनको इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखना पड़ेगा, उनको इंग्लिश स्टेनोग्राफी बाद में सीखना पड़ेगा, ओके। और इसमें और एक चीज़ देखिए, जो टाइपिंग स्पीड होगा जूनियर स्टेनोग्राफर में वो सेम होगा पहला वाला होगा, मतलब जो मैंने बताया LDC के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट, यही स्पीड रहेगा आपका जूनियर स्टेनोग्राफर में भी, ओके। कैसे प्रिपेयर करना है और क्या करना है आपको, ये आपको पता चल जाएगा सारे पोस्ट खत्म होने के बाद, जो कि जल्दी आने वाला है। देखिए नेक्स्ट पोस्ट आएगा आपका सीनियर स्टेनोग्राफर, इसमें देखिए डिक्टेशन, बस डिफरेंस यही है कि 100 वर्ड्स पर मिनट हो गया यहाँ पे स्पीड, ठीक है, और सब सेम है। 10 मिनट्स का टाइम है, 100 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है, और ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए 60 मिनट्स इंग्लिश वालों के लिए है, 75 मिनट्स हिंदी वालों के लिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। रेस्ट कंडीशन जो भी है सेम है जूनियर स्टेनोग्राफर से, मतलब टाइपिंग स्पीड वगैरह सब सिमिलर है, और स्टेनोग्राफी भी आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश, जो लोग हिंदी में देंगे उनको इंग्लिश सीखना पड़ेगा बाद में जाकर, ओके। अपने सर्विस टाइम पे आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है जो तीन पोस्ट हमारा रह गया, एक है असिस्टेंट, और एक है प्रोग्राम ऑफिसर, और एक है असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर। ये तीनों पोस्ट के लिए जो है इन लोगों ने लिखा है, ICCR ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही मेंशन किया है कि CPT विल बी कंडक्टेड, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड। स्किल टेस्ट का कहीं पे भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है। ड्यूरेशन फॉर द टेस्ट इज 60 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100। तो 100 मार्क का पेपर होगा आपका, और 60 मिनट का टाइम होगा, 1 घंटा का। तीन मॉड्यूल इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। तीनों का ब्रीफ में हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अब इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है, मतलब इन तीनों के अंदर वो लोग क्या पूछेंगे, ये तीनों के अंदर वो लोग क्या पूछेंगे, ये चीज 15 नवंबर को हमको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले हम जनरली एक लेके चलेंगे कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है। SSC जो CGL है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, SSC CGL का जो सिलेबस है उसमें भी ये तीन ही मॉड्यूल्स होता है, तो उसके अंदर जो जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जो जो एरियाज होते हैं, उसी पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग इजीली इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे दोस्तों, ओके। तो मैं आपको बस ये बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है आपका, इसमें आपका जो होता है, आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, ठीक है, एक पैसेज आपको मिलेगा, और उसमें आपको क्या करना है, इसका स्पीड जनरली 2000 कैरेक्टर्स रहता है, मतलब 2000 डिप्रेशंस, की डिप्रेशंस 15 मिनट में आपको करना पड़ता है। देखिए इसका जो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बोल रहा हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग में आपको जनरली जो होता है, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बट जनरली आप ये मान के चल सकते हैं 2000 की डिप्रेशंस पर आवर, ठीक है, 1 घंटा में, 1 घंटा में आपको इतना स्पीड से आपको 15 मिनट के अंदर, ठीक है, एक पैसेज को टाइप करना होता है। जो भी उस पैसेज में दिया रहेगा, जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में दिया रहेगा, ज़्यादातर जनरली कोई फॉर्मेट नहीं देते हैं वो लोग, बोल्ड इटैलिक वगैरह नहीं देते हैं, बस एक रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं कंप्यूटर में तो आपका ये इजीली आप दे सकते हैं और इसको पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक पैसेज वो लोग दे देंगे, बस आपको टाइप करना है, ओके। तो इसके बाद देखिए जो है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में बेसिकली क्या होता है, जो आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपने सुना होगा MS Excel, ठीक है, इसमें स्प्रेडशीट में MS Excel जो है, ठीक है, MS Excel का कुछ बेसिक फंक्शंस होता है, बेसिक फंक्शंस और फंक्शनैलिटी। अगर आप देखना चाहते हैं बेसिक फंक्शंस, तो मैंने एक वीडियो दिया है डिस्क्रिप्शन में, मैंने उसका लिंक दे दिया है,
आप जाके MS Excel for Beginners मैंने वो वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं। बेसिक फंक्शंस उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया है किस तरीके से एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो वो आप आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक जाके वीडियो ज़रूर से चेक कर लेना। तो इसमें क्या होता है, आपको एक एक्सेल शीट दे देंगे और उसको भी वही सेम टाइम रहेगा, 15 मिनट में आपको वो एक्सेल शीट बनाना है। और उसमें क्या क्या फंक्शंस रहेगा देखिए, सिंपल फॉर्मूला रहेगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज निकालना होगा या फिर आपको सम निकालना है, काउंट, एवरेज, ये सब वगैरह जो बेसिक फंक्शंस है उसका वो रहेगा और फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। इसके बाद देखिए जो तीसरा है, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक प्रिंटेड शीट दे दिया जाएगा, सभी में स्प्रेडशीट में भी आपको प्रिंटेड शीट और वर्ड प्रोसेसिंग में भी प्रिंटेड शीट दिया जाएगा, उस शीट से ही आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे भी ऐसे क्या करेंगे, वो लोग एक प्रिंटेड शीट दे देंगे जिसमें एक सिंगल स्लाइड होगा और उस स्लाइड में क्या होगा, आपको क्या करना है, उस स्लाइड में जैसा ही बना होगा उस तरीके से एग्जैक्टली आपको एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपने सुना होगा MS PPT, ओके, MS ऑफिस का जो PPT है पावर पॉइंट, उसमें आपको 15 मिनट के अंदर वो स्लाइड बनाना है। ठीक है, तो आपको बेसिक जो फंक्शंस है, हेडर, फुटर, कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, कैसे डेट एंड टाइम चेंज करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, लेआउट करते हैं, एनिमेशंस वगैरह करते हैं, ठीक है, और कहाँ पे स्लाइड का फॉर्मेट चेंज करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बॉर्डर देते हैं, ये सब वगैरह जो बेसिक फंक्शंस है आपको पावर पॉइंट का पता होना चाहिए। इन सभी के ऊपर मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा ज़रूर कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस, ठीक है, सभी के बारे में। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। अब चलिए चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और क्या करना है। देखिए नेक्स्ट पेज पे आप लोग चलते हैं और यहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे प्रिपरेशन करना है। ये देखिए, जिन लोगों ने भी पहले, मैं दो कैटेगराइज कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स लोगों को, पहले हु हैव अपीयर्ड अर्लियर, मतलब जिनको इसका नॉलेज है, पहले वो CPT या स्किल टेस्ट कोई भी एग्जाम का अगर आप दे चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं। पहले आपको क्या करना है, देखिए पहला स्टेप ये है, इम्पोर्टेंट है, आपको पहले अभी से ही प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर देना। आपका प्रैक्टिस कोई भी टाइपिंग से, टाइपिंग सॉफ्टवेयर से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं बोलूँ, मेरे को अच्छा लगता है टाइपिंग मास्टर एक बहुत ही बढ़िया टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप इंग्लिश में और हिंदी के लिए भी बहुत सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। मैं बता दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक पेज भी है सनत मिश्रा के नाम से, वहाँ पे जुड़ जाइए तो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी का स्टेनोग्राफी है, स्टेनोग्राफी के लिए आप प्रैक्टिस कर दीजिए डेली 1 से 2 घंटा स्टेनोग्राफी, जो बेसिक स्टेनोग्राफी होता है उसका, जो जैसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, SSC CHSL का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल से अटेम्प्ट करके जाइए, इसका क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए आपका बन रहा है या नहीं, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो रहा है आप क्वेरीज में, कमेंट्स में मेरे को कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपना क्वेरीज बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, जिसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपको क्या करना है, बेसिक ऑपरेशंस जो होता है MS Excel, वर्ड और PPT का, पावर पॉइंट का, उसको आपको देखना है। मैं इसके ऊपर क्लास लेके आ जाऊंगा, एक्सेल का मैंने बना दिया है, वर्ड और PPT का मैं लेके आ जाऊंगा आपके लिए। ओके, वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो, वरना मैं ओवरऑल जनरली बनाऊंगा भी वैसे। ओके, और आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करना है, अभी स्पीड पर नहीं, पहले एक्यूरेसी पर फोकस करो 4 से 5 दिन। जो लोग पहले अपियर किए हुए हैं, जिनको आइडिया है, वो लोग 4 से 5 दिन या फिर मैक्सिमम 1 वीक लो, एक्यूरेसी पर काम करो, पहले एक्यूरेसी अच्छा आने दो, उसके बाद आपको स्पीड पर काम करना है। और एक पैराग्राफ ज़रूर से आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड एडिटोरियल से टाइप कर लेना, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर द हिंदू हो, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर उठा लेना, उसमें से एक पैराग्राफ आप लोग टाइप करना, देखकर MS वर्ड में टाइप कर देना, और वहाँ पे एक वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है, टाइमर लगा देना आपके मोबाइल पर 10 मिनट का, और वहाँ पे आप लोग क्या करना, वर्ड काउंट कर लेना आपका कितना वर्ड हो रहा है 10 मिनट में, तो आपको एक्यूरेसी और एफिशिएंसी पता चल जाएगा। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। और आपको टाइपिंग कैसे करना है, अगर आपको वो सीखना है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा छोटा सा, जिसमें आपको फिंगर्स का पोजीशन कहाँ पे रखना है, किस तरीके से टाइपिंग करना है, कीबोर्ड का इंटरफेस, वो मैं बता दूंगा। वरना आप टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, 10 से 16 MB का है, तो वहाँ पे इजीली आपको पूरा पहले ट्यूटोरियल से
वो ट्यूटोरियल वाइज करता है, उसको पहले ट्यूटोरियल से अगर आप लोग सारा पार करके चलते हैं, मतलब क्वालिफाई कर करके चलते हैं उसमें, तो आपको पूरा पता चल जाएगा और उसमें अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कीबोर्ड्स का, कहाँ पे आपको फिंगर्स रखना होता है ताकि आप स्पीड टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है जिन लोगों का ये पहला अटेम्प्ट है, ओके फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो लोग नए हैं टाइपिंग के लिए, तो वो लोग क्या करें। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आपको बस फोकस करना है एक्यूरेसी पर। मैंने बोला 1 वीक तक आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है, मतलब आपको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, जो दिया है उसी तरीके से आपको टाइप करना है, पूरा डिट्टो कॉपी करके रख देना है आपको, एक स्पेस भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, या फिर कैपिटल लेटर कॉमा कुछ भी, मतलब जो लिखा है वही आपको टाइप करना है, पूरा एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। इसके बाद आप क्या करना, सेम चीज एमएस वर्ड में टाइप करने का कोशिश करना, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर उठा लेना, उसमें से एक पैराग्राफ देखना और वर्ड काउंट अपना चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सीपीटी के लिए वही सेम चीज है, बेसिक ऑपरेशंस आपको सीखना है एमएस ऑफिस का। इसके बाद 5 से 6 दिन आप क्या करना, प्रैक्टिस 5 से 6 दिन के बाद जब आपका एक्यूरेसी पर थोड़ा काम हो जाए, फिर आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर में टाइप करना, स्टार्ट करना प्रैक्टिस। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 से 15 दिन, आप 10 से 15 दिन के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, तो ये पूरा आपका रहेगा कोर्स। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक मैं बता रहा हूँ सभी के लिए। पहला चीज जो आपको नहीं करना है, देखिए सारा दिन लगातार आपको टाइप नहीं करना है दोस्तों, आप अगर ऐसे करते हैं तो आपका हाथ पूरा थक जाएगा, आपका मन भी पूरा टायर्ड हो जाएगा और आप फ्रेश माइंड में नहीं रहेंगे, आपका फिंगर्स टायर्ड हो जाएगा, फिर आप अपना एफिशिएंसी जज नहीं कर पाओगे, फिर आपका टाइपिंग स्पीड कम होगा, एक्यूरेसी कम होगा, फिर आपका डीमोटिवेशन हो जाएगा, तो ऐसे मत कीजिए। सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश फिंगर्स फ्रेश माइंड्स पर टाइप कीजिए, तब जाके अपने आप को जज कीजिए, वो पहला जो आप टाइप करते हैं ना सुबह उठकर, वही आपका रियल स्पीड होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद तुरंत मत कीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आधा घंटा 1 घंटे का, या फिर आप सुबह कर दीजिए फिर उसके बाद कीजिए मत, दोपहर में आइए 4 से 5 घंटे के बाद प्रैक्टिस कीजिए, शाम को प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले दिन सुबह फिर से टेस्ट दीजिए। तो दोपहर और शाम आप प्रैक्टिस कीजिए, और हर दिन सुबह आप जब आपका फिंगर्स पूरा रिलैक्स्ड रहेगा तब आप प्रैक्टिस की मतलब टेस्ट दीजिए, फिर अपने आप को जज कीजिए आपका एक्यूरेसी क्या है, आपका स्पीड क्या है। ठीक है, और बीच बीच में रेस्ट लीजिए। ये तो हो गया जो चीज़ मेरे को बताना था। अब देखिए कुछ और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि एरर्स, एरर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एरर्स जो होता है, एक होता है हाफ एरर, जो बेसिक होता है हाफ एरर, और एक होता है फुल एरर। ठीक है, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। अब ये क्या होता है, मतलब नेचर ऑफ मिस्टेक, ये जो वो लोग कैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो भी एग्जाम करवा रही है वो कैसे इसको मतलब जज करता है। देखो हाफ एरर किसको हम बोलते हैं, अगर आपका स्पेसिंग एरर है, मान लीजिए कहीं पे स्पेस दिया हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है आई हैव डन समथिंग, ठीक है, तो आई हैव है, आपने ऐसे लिख दिया गलती से आई हैव, मतलब आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे स्पेस आपने नहीं दिया इस जगह पे, तो आपका ये हाफ एरर हो जाएगा। या फिर कहीं पे भी कॉमा है आपने छोड़ दिया है, ओके ब्रैकेट है आपने छोड़ दिया, ये सब हाफ एरर हो जाएगा, स्पेस वगैरह। इसके बाद है अगर आपने कुछ रिपीटेशन किया है, रिपीटेशन अगर आप करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी लेटर का कोई भी वर्ड का अगर आप बार बार रिपीट कर देते हैं उसको, मतलब एक बार टाइप करना है आप उसको 2 बार टाइप कर देना, जैसे आई को आप 2 बार गलती से टाइप कर दिया और आप देखे नहीं टाइप करते गए करते गए, ठीक है, तो ये भी हाफ मिस्टेक में गिना जाएगा। इसके बाद है अगर आप कुछ ओमिट कर देते हैं, मतलब कुछ लिखा हुआ है उसको आप छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, टाइप नहीं करते हैं, वो भी हाफ एरर होगा। ओके, और रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, मतलब अगर आपका कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में आप चेंज कर देते हैं, कैपिटल जहाँ पे है कैपिटल नहीं देते हैं, स्मॉल नहीं देते हैं, तो वो भी हाफ मिस्टेक में जाएगा। अब आते हैं फुल मिस्टेक की तरफ। जो आपका फुल मिस्टेक्स होगा वो होगा अगर आपने बिल्कुल ही एक वर्ड या एक फिगर को पूरा आपने ओमिट कर दिया, मतलब जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है पूरा, इसको मैंने पूरा ही छोड़ दिया, नहीं लिखा, टाइप नहीं किया, तो ये आपका फुल मिस्टेक में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई रॉन्ग वर्ड एक वर्ड के जगह में डाल दिया, मतलब एक तो है आपने टाइप गलत कर दिया एक लेटर, या फिर एक वर्ड आपने स्किप कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पे हैव लिखना है और आपने हैड लिख दिया, यहाँ पे पूरा ही वर्ड को चेंज कर दिया, तो ये फुल मिस्टेक हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर आपने कोई वर्ड
अलग से ऐड कर दिया, ठीक है, जो कि पैसेज में नहीं लिखा हुआ है उस तरीके का, तो वो भी आपका फुल एरर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कैसे करना है, आपको क्या करना है। देखिए, तो मैं वही यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए, ओके, चैनल को ये सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आने वाले सारे वीडियोस में लेके आऊँगा। इसके बाद एक और चीज़ मेरे को बताना है, बेसिक क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है, जिनका भी CPT है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, या फिर स्किल टेस्ट भी है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको कुछ बेसिक वाइवा वो तरीके का क्वेश्चंस भी आ सकता है, मतलब मल्टीपल चॉइस नहीं, हाँ मल्टीपल चॉइस आप बोल सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आपका जनरल कंप्यूटर्स के ऊपर, उसका शॉर्टकट कीज हो गया या फिर कंप्यूटर का हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जो जनरल कंप्यूटर होता है ना एग्जामिनेशंस में आता है, जैसा जैसे आप मान सकते हैं जो रीजनल रूरल बैंक होता है RRB, PO या फिर क्लर्क, उसमें कंप्यूटर का सेक्शन होता है, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर का जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आ सकता है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि शॉर्टकट कीज के ऊपर होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स होगा, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिलने वाला है, बने रहिए उसके लिए, ओके। और इसके रिलेटेड वीडियो स्किल टेस्ट के रिलेटेड आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ओके। तो मेहनत आपके लिए चल रहा है दोस्तों, आपने बहुत दिन से कमेंट किया, सब कुछ किया, मैं देख रहा था आपका कमेंट्स, सब लोग परेशान हैं स्किल टेस्ट को लेकर, तो इसीलिए मैंने आज बहुत एनालिसिस करके सभी चीज़ को देख कर मैंने बनाया, क्योंकि ICCR के ऊपर इतना नॉलेज नहीं है दोस्तों, बहुत ही रेयर होता है ये सब एग्जाम्स, तो कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो थोड़ा टाइम तो चाहिए ही ना इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ओके। तो बाकी सब लोग खुश रहिए, ओके, मोटिवेटेड रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल एक लाइक बनता है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।